एनडीए का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आने वाले समय में सभी दलों ने मन बना लिया है कि साफ रहेंगे। एक गठबंधन तैयार हुआ है, गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है वो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा, जनता बीजेपी को 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी, अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया, सरकारी खरीद कहाँ होगी, एक भी अभी तक इंतजाम नहीं किया, बिजली महंगी और बिजली आ नहीं रही, जो सुविधाएं समाजवादियों ने शुरू की थी एम्बुलेंस वो खराब कर दी, सीएससी अगर चले जाओ तो ना गरीब को दवाई मिल रही ना इलाज मिल रहा है, जो कुछ काम हुए थे वो वैसे के वैसे ठप है, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें समाजवादियों की देन है। तो जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का पीडीए है वो बीजेपी का सफाया करेगा, जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पीएम कोई बड़ा सवाल नहीं है, पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। पीएम ने कार्रवाई के लिए कहा, अगर कार्रवाई बीजेपी के लिए कार्रवाई हो जाए उस जनता से नहीं, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो उसको आप पॉलिथिन में ढक दोगे, टीन लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जय विकास जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि आप माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया, तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में है। संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया, टीन शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे, बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है, जो बिजली समाजवादियों ने बनाई समाजवादियों ने 2024 के लिए इंडिया गठबंधन सियासी अखाड़े में कौन सा दांव लगाएगा बीजेपी के सामने? ये पीडीए का दांव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दांव उन्हें चित्त कर देगा, पीडीए का दांव ऐसा दांव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। हम लोग लेकर भैया क्या तैयारी है कन्नौज लोकसभा को लेके? कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था, ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे करके चले जाएंगे, इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है और इनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। छोड़ू भैया अरे कन्नौज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से, और आपसे भी हम अपील करते हैं आप ही मदद करना भैया। थैंक यू।